नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले एक नजर 15 सेकंड में खबरों पर। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का विशेष वीडियो संबोधन, विकास मॉडल पर चर्चा, विकास मंत्रियों की बैठक में मंथन। लखनऊ में संजीव जीवा मर्डर केस के आरोपी का बड़ा कबूलनामा, बोला नेपाल में असलम से मिली हत्या की सुपारी, जेल में असलम के भाई आतिफ से जीवा ने की थी बदसलूकी। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कुपवाला के भटपुरा गांव से आईडी बरामद, बीएसएफ के आईडी को किया नष्ट। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, मार गिराया संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आया था ड्रोन। विपरजॉय ने बदला अपना रास्ता, गुजरात तख्त की ओर तेजी से बढ़ा साइक्लोन, 6 जिलों पर खतरा, आईएमडी का अलर्ट जारी। भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग, 2 मंजिल खाक, परिवहन विभाग का रिकॉर्ड और 20 करोड़ का फर्नीचर स्वाहा। भोपाल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, ब्लेड से खुद को किया लहूलुहान, पुलिस पर भी किया हमला। ग्वालियर में जनरल स्टोर में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जबलपुर हाईकोर्ट से दिग्विजय सिंह को झटका, मानहानि केस में हाईकोर्ट ने खारिज किया चुका, अब ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा केस। कटनी में हरिहर तीर्थ में चारों धाम का भूमि पूजन, साधु संतों का लगा मेला, सीएम शिवराज कलान, तीर्थ क्षेत्र में खुलेगा संस्कृत महाविद्यालय। बीजेपी ने अनुशासनहीनता पर एक्शन लिया, बीजेवाईएम के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ और नयन सोनी को हटाया, नगर अध्यक्ष पर हमला करने का आरोप। जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी शंखनाथ, प्रियंका गांधी ने मां नर्मदा की पूजा की, जनसभा को भी किया संबोधित। मध्यप्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार, ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई, 3 महीने में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। इंदौर में कॉलेज छात्रा ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान, पड़ताल में जुटी पुलिस। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मृतक रोजगार सहायक को प्रभार देने का मामला, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ की हड़ताल जारी, रायपुर में संघ के जिला अध्यक्ष ने की राजस्व सचिव से बातचीत। सीएम भूपेश बघेल ने किया जलमितान युवा उद्यमिता योजना का शुभारंभ, प्रदेश में 58,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ धान पर घमासान, मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी को घेरा, कहा केंद्र सरकार नहीं देती धान खरीदी के लिए पैसा। धमतरी में बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए ओम माथुर, 1,000 लोगों को पार्टी में कराया प्रवेश। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, भगवान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। बिलासपुर में यश साहू की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, साहू समाज ने किया कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का घेराव। अंबिकापुर में बीजेपी का हल्ला बोल, पानी के लिए नगर निगम का घेराव, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी। बलरामपुर में राजपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास, प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 15 में से 12 वोट। अंबिकापुर में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, लाखों की ठगी के आरोप, बिहार के शेखपुरा से 4 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर, मौके से राइफल सहित भारी मात्रा में सामान भी बरामद।